अरे साबुन खत्म हो गया है। अरे तो पानी से धो लेंगे, अब आगे बढ़ो। नहीं, साबुन जरूरी है, मैं अभी आता हूँ। टीचर, वहाँ हैंड वॉशिंग स्टेशन पर साबुन खत्म हो गया है, फिर बच्चे पानी से हाथ धो लेंगे। दीपक, ये तुमने बहुत अच्छा किया, चलो मेरे साथ। शर्मा जी, बच्चे बता रहे हैं कि बाहर हैंड वॉशिंग स्टेशन पे साबुन खत्म हो गया है। मैम, गलती से पता नहीं लगा होगा। दीपक, तुमने अच्छा किया बता दिया। आजकल इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि साबुन और पानी स्कूल में हमेशा उपलब्ध हो। मैं अभी भिजवाता हूँ, सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है भाई। जाओ दीपक, हाथ धोकर आ जाओ क्लास में। बच्चों, दीपक ने अभी जैसे आकर बताया कि साबुन खत्म हो गया है, तो उसने एक जरूरी जिम्मेदारी निभाई अपने लिए और सबके लिए। कोरोना जैसे बीमारी को सबके सहयोग से हराया जा सकता है। हर बच्चे को ये ध्यान रखना है स्कूल में साफ सफाई का साधन हो, यहाँ के शौचालय आप सब लोगों के इस्तेमाल के लिए साफ हो, हर समय हाथ धोने, शौचालय के लिए पानी हो, साबुन हो, क्लास में सैनिटाइजर उपलब्ध हो, और स्कूल के किसी भी कर्मचारी को खांसी जुखाम हो तो उन्होंने मास्क पहना हो, फिल्टर में साफ पीने का पानी उपलब्ध हो। ये जरूरी है कि बच्चों को व्यक्तिगत सफाई, क्लास की और स्कूल की सफाई का ध्यान हो, लेकिन सफाई के साधन स्कूल में उपलब्ध हो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है, और अगर ना हो तो तुरंत बताना चाहिए। ये आपका अधिकार है कि आपका स्कूल एक सुरक्षित स्कूल हो, जहां बीमारी के संक्रमण का खतरा कम हो। स्कूल अधिकारियों के लिए ये निश्चित करना जरूरी है हमारा स्कूल और हर बच्चा स्वच्छ और स्वस्थ हो।